में आगे बढ़ेंगे, ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों को सजा का ऐलान करते हुए 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिनमें से 7 दोषी आजमगढ़ के हैं। आपको बता दें, साल 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस घटना में 56 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही 200 लोग घायल हुए थे। ये दिल दहला देने वाली घटना 26 जुलाई 2008 को घटित हुई थी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए 21 सीरियल ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं और 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को होना है। राज्य के 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को मतदान होगा और इसके लिए आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। फिलहाल तीसरे चरण के लिए प्रचार के लिए सियासी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है, क्योंकि तीसरे चरण के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। आपको बता दें, इस चरण में कई जिले ऐसे हैं जिन्हें कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के बाद आज तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी करहल पहुंचे योगी आदित्यनाथ। उन्होंने सबसे पहले शहर के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने दावा किया है कि बीजेपी इस बार मैनपुरी की 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। साथ ही योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार क्या करती थी याद करिए, सपा 2012 में आई तो सबसे पहला काम आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का किया था। यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज प्रचार के अंतिम दिन जालौन के माधोगढ़ से हुंकार भरी। यहां पर आयोजित जनसभा में उन्होंने एक बार फिर नाम लिए बिना बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश ने महंगाई, विकास और नोटबंदी पर भाजपा को घेरा और कहा, पहले और दूसरे चरण के मतदान के रुझान के बाद गर्मी निकालने की बात कहने वाले ठंडे पड़ गए हैं। साथ ही कहा, 5 साल में क्या मिला, बुंदेलखंड के लोगों के साथ धोखा हुआ। बाबा मुख्यमंत्री ने न जाने क्या क्या कहा था, पर आप बताओ बुंदेलखंड के साथियों क्या मिला आपको। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ऑफलाइन शिक्षण और प्रशिक्षण गतिविधियों को फिर से शुरू करने के विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों केंद्रों और स्कूलों के चरणबद्ध तरीके से खोलने को मंजूरी देते नजर आए हैं। निर्णय देश के अधिकांश हिस्सों में कोविड-19 की तीसरी लहर के कम होते मामलों के दृष्टिगत लिया गया है, जिसके अंतर्गत छात्रों को वैध टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आवासीय छात्रावासों में रहने की अनुमति दी जाएगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत याचिका को दोबारा रिव्यू करने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने याचिका दाखिल की। आपको बता दें, त्रिपाठी ने ही सबसे पहले इस लखीमपुर कांड की जांच की गुहार भी लगाई थी। आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के बाद विपक्षी नेताओं समेत किसान नेताओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए अपनी ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वरुण गांधी ने लिखा, आज जब कर्ज के बोझ तले दबकर देश में रोज लगभग 14 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब ऐसे धन पशुओं का जीवन वैभव के चरम पर है। इस महाभ्रष्ट व्यवस्था पर एक मजबूत सरकार से मजबूत कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। लखनऊ में चलती बाइक में आग लग गई और बाइक को देखते ही जलकर खाक हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में स्वास्थ्य केंद्र में बिना अनुमति के स्वास्थ्यकर्मी रह रहे हैं और अवैध रूप से विद्युत लाइट का उपयोग भी कर रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मियों को उच्च अधिकारियों का कोई खौफ नहीं रहा। बुलंदशहर में बिना प्रस्ताव पानी की टंकी लगने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश नजर आया। सैकड़ों ग्रामीणों ने एकत्रित होकर ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उन्नाव में प्रत्याशी अनिल सिंह के समर्थन में पीएम की रैली को लेकर चुनाव आयोग और पीएमओ जिला प्रशासन से शिकायत करता नजर आया। बसपा के पूर्व प्रत्याशी की जमीन पर बन रहा था रैली स्थल। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ई रिक्शा चोर गैंग के 2 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े। पूर्व में कई ई रिक्शा चोरी की वारदातों को दे चुके अंजाम। बुलंदशहर में पुजारी के बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आगरा में अंतर्राज्यीय मोबाइल टावर पीटीएस चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ। आरोपी चोरों के पास से पीटीएस को 10 से 12 हजार रुपए में बेचते थे। महुआ में विवाह कार्यक्रम में सिलेंडर फट गया। हादसे में नवविवाहिता सहित एक ही परिवार के 7 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
आगरा के सराफा की दुकान पर सोने का ओम माला और अंगूठी खरीदने पहुंचे दो युवक दुकानदार को चकमा देकर आभूषण लेकर रफूचक्कर हो गए, जिसके बाद दुकानदार ने थाने में चोरों के खिलाफ केस दर्ज करवाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। फरुखाबाद में पुलिस की मिलीभगत से धड़ल्ले से पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है, वहीं जिला प्रशासन और वन विभाग हालातों से बेखबर नजर आ रहे हैं। लखीमपुर में तेज रफ्तार ओवरलोडेड ट्रॉली ने मासूम को रौंद दिया, हादसे में 11 साल के छात्र की ट्रैक्टर ट्रॉली में दबकर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां पर एक युवक नाले में डूब रहा था, तभी चौकी इंचार्ज ने युवक को नाले से बाहर निकाला और सकुशल अस्पताल में भर्ती कराया। भरतपुर के गोविंदनगर क्षेत्र में घर में वृद्ध का जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू की है। आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र में जीएसटी विभाग ने छापेमार कार्रवाई करी, तार के कारोबारी भुवनेश जैन के आवास पर छापेमार कार्रवाई हुई है, सीजीएसटी की ओर से कार्रवाई की गई। मिर्जापुर के मझुआ और चुनार विधानसभा से सपा प्रत्याशी के साथ ही गठबंधन के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया, साथ ही सीट से दो दो बार प्रत्याशियों के नामांकन से कार्यकर्ताओं में भ्रम फैल रहा है। मझुआ से रोहित शुक्ला ने नामांकन किया है, सपा से पहले दामोदर मौर्य नामांकन कर चुके हैं, वहीं सपा से एक विधानसभा से दो प्रत्याशियों के नामांकन करने से गुटबाजी बढ़ गई है, दोनों प्रत्याशी अपने आप को सपा का अधिकृत प्रत्याशी मान रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भीतरघात की शिकायतों से उठे विवाद पर प्रदेश संगठन से रिपोर्ट तलब करी है, प्रदेश महामंत्री संगठन से इस संबंध में पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है, तो वहीं चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी तरीके से शिकायत केवल पार्टी फोरम पर ही करें, सभी को मीडिया में बयानबाजी न करने की हिदायत दी गई है। दरअसल विधानसभा चुनावों का मतदान समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया पर लक्सर से विधायक संजय गुप्ता का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में भाजपा के भीतर खलबली मचा दी है, इसमें गुप्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर उन्हें हराने की साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। गुप्ता के बयान के बाद काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा और चंपावत के विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने भीतरघात का मुद्दा उठाया, अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि भीतरघात को लेकर पार्टी के तीन विधायकों की खुलकर जो बगावत है वो सामने आ गई है, पार्टी संगठन भी असहज हो गए हैं। इसे लेकर सियासी इलाकों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, मामला केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गया है, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने भीतरघात के मामले में प्रदेश संगठन से रिपोर्ट तलब करी है, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार जल्दी रिपोर्ट भेज सकते हैं। केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है, बर्फबारी के चलते धाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, बर्फबारी के कारण धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी ठप हो गया है, इसके दौरान श्रद्धालु बर्फबारी का लुत्फ उठाते भी नजर आए। डोईवाला के दो मामलों को लेकर यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद आयोग ने डीएम देहरादून से नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब करने को कहा है। डोईवाला नगर पालिका के राजीव नगर मानस विहार में बने कूड़ा निस्तारण केंद्र और सुशवा नदी पर गंदगी को लेकर यूकेडी काफी समय से मुखर रही है, जिसको लेकर कई बार आंदोलन भी किया गया, लेकिन शासन प्रशासन इस समस्या पर कोई ठोस कार्रवाई करने को राजी नहीं है, वहीं यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने इसकी शिकायत उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में की है। उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों को 10 मार्च का इंतजार है, ऐसे में सभी पार्टियां अपने जीत का दावा कर रही हैं। भाजपा के श्रीनगर विधानसभा से प्रत्याशी धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनना तय है। धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में राज्य और केंद्र की सरकार ने हर गांव, हर शहर और हर घर के लिए काम किया, इस काम के बूते पर ही उत्तराखंड में दोबारा भाजपा की सरकार बनने जा रही है। धन सिंह रावत ने कहा इस बार के चुनाव में महिला मतदाताओं ने अपने मतदान को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया है, जिसका फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। बदलते मौसम की वजह से इन दिनों अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इस संबंध में इन दिनों सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार, फंगल इन्फेक्शन ये तमाम मरीज ज्यादा आ रहे हैं। आगरा के इरादत नगर थाना क्षेत्र में 26 दिन बाद अपहरण किया हुआ मासूम को जमीन से खोदकर शव निकाला गया, तो वहीं गांव के ही तीन युवकों पर अपहरण के बाद मासूम की हत्या करने का आरोप है, पुरानी रंजिश को लेकर के तीनों आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। बांदा में मामूली विवाद पर
एक युवक ने घर जा रहे दूसरे युवक के गले में ब्लेड मारकर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र में शराब के नशे में धुत दो युवकों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दोनों युवक शराब के नशे में धुत थे और शराब के नशे में ही किसी बात पर दोनों के बीच विवाद पेश आया, जिसके बाद दोनों में आपस में मारपीट भी होने लगी। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में नवविवाहिता ने समीप परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसे देखकर इलाके में अफरातफरी का माहौल देखा गया और ससुरालीजन मौके से फरार हो गए। वहीं मृतका के परिजनों को सूचना मिलते ही वो घटनास्थल पर पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा। आगरा के छोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। एटा के सकीट थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी की विरह में से ईंट से कुचल कर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की तफ्तीश शुरू कर दी है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। शामली के कांदला थाना क्षेत्र में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, हादसे में कार चालक और ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थान के आसपास के इलाके में मांस मदिरा के लिए पाबंदी के बाद गौ कटान का काम जारी है, जिसके बाद गौ रक्षक दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस की संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो वहीं अन्य की तलाश जारी है। बिजनौर के सिहारा थाना क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई, वहीं आग लगने से रखे गए 2000 मुर्गे जलकर खाक हो गए, जिससे कि फार्म के मालिक का लाखों रुपए का नुकसान पेश आया है। आगरा के मोइनुल इस्लाम मदरसे में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बच्चे भागवत गीता के श्लोक और कुराने पाक के कलमे पढ़ते और उसके ज्ञान को आत्मसात करते नजर आए। मदरसे के संचालक मौलाना उजैर का कहना है कि शिक्षा के स्थान पर जाति धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो सकता। फतेहपुर के गाजीपुर क्षेत्र में सड़क किनारे की युवती का सिर कुचला हुआ शव मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मामले की तफ्तीश शुरू की है।